और आपने इसको सीपीयू निकाला था ना? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा सर, मैं खुश हूँ। मैं मुझे लग रहा है अभी यार बढ़िया है। हाँ, मेरे पंजाब के सभी को कहूँगा भी आप आओ देखो, बहुत फ़र्क है अब बाकी से। उसको सेम दे दिया गया उस टाइम से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सब सबको यूनिवर्सल। हाँ, सबको दिया था, यूनिवर्सल में दिया था, सबने यूनिवर्सल में ही किया सर, और ये पॉसिबल एशिया टेलीकॉम में है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और अभी हमको एकदम मस्त लग रहा है, क्योंकि काम करते हैं और काम हो जाता है तो बहुत मजा आता है, वैसा हमको एकदम मजा आ रहा है, क्योंकि काम मेरा हो रहा है। चलिए ठीक है, जो भी मैं कर रहा हूँ एक बार में हो जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपको क्या पहले लगता था कि मतलब ये जो रिव्यू दे रहे हैं झूठा हो सकता है, या फिर आपको झूठा नहीं होता है? वो भी सच है और ये भी सच है। मतलब आप जो रिव्यू देखे थे वो आपको सच लगा? जी। चलिए ठीक है, मतलब आपका पैसा वेस्ट तो नहीं जा रहा? नहीं सर, जितना पैसा दिए उससे ज्यादा हम सीख रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो बहुत अच्छा है और ट्रिक भी बहुत अच्छे दिए जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि मैं सीखना चाहता था जो चीज वो सीख रहा हूँ। अच्छा, बात करें कि बस आपने ही 4G CPU लगाया कि बाकी स्टूडेंट ने भी लगाया है कुछ लाइव निकाल के? नहीं नहीं, सारे लगाए हैं यहाँ पे। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं एमपी से? जिसको भी आना है वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल दे दिया जाए तो उसका सीपीयू कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आपको कोई राजस्थान से देख रहा है तो क्या बोलना चाहेंगे उनको? बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम, मतलब क्या जो आपने सोचा था वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बहुत ज्यादा मिल रहा है। ऑन सेट से सीपीयू निकाल के फिर रिवॉल्व करके लगाना था। ऑन सेट से सीपीयू निकाल के लगाना? हाँ, तो ये पॉसिबल है 4 दिन में? हाँ सर, पॉसिबल है। कहाँ पे पॉसिबल है सर? एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है सर। एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। आज आपने काम किया? हाँ सर, और बहुत कुछ सीख के यहाँ से जा सकते हैं, मतलब इतना नॉलेज यहाँ से मिलेगा, मतलब आप लेके जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। चलिए थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर। जो आपने सोचा था कि ऐसे टेलीकॉम जाएंगे ये सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी आपको कैसा लग रहा है? सर उससे ज़्यादा मिल रहा है जितना मैंने सोच के आया था कि 4 दिन में तो इतना नहीं पॉसिबल है, बट यहाँ पे आके सर पॉसिबल है। मैंने खुद किया कल, मैंने पावर, उसके पहले MMC, आज CPU, सब अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है। अगर आपसे लाइव कराया जाए कि चलिए आप लाइव बैठिए और यहाँ पे जैसे कि लाइव भी चल रहा है, तो अगर आपसे लाइव अगर कराया जाए तो आप लाइव कर लोगे? एक बार नहीं, 100 बार कर दूंगा। 100 बार कर लेंगे? कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस। अच्छा, डर नहीं लगा कि बंद हो जाएगा? नहीं, डर तो नहीं लगा। अगर बंद भी हो जाता फिर भी मैं उसको दोबारा रिवॉल्व करके लगा लेता। तो ओवरऑल आप कहाँ से बताएं, आपको क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ जो मेहनत करने वाला हो और सीखना चाहते हो वो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकता है। आपने जो सोचा था वो आपको मिल रहा है? बहुत, जो सोचा था उससे ज़्यादा मिल रहा है। 4 दिन में CPU जॉब डन हो गया, ये पॉसिबल कहाँ पे? पॉसिबल एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है, और कहीं नहीं होगा एशिया टेलीकॉम में। तो ये फ़ोन ऐसा तो नहीं किसी सर ने यहाँ पे चालू किया हो? नहीं सर, मैंने किया। आपने खुद से किया हुआ है? सही बोल रहे हैं, पॉसिबल है 4 दिन में CPU लगाना? हाँ सर पॉसिबल है। आप क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। यशपाल जी, आप कहाँ से हैं? पंजाब से हूँ सर। पंजाब से है, तो ये चालू फ़ोन था? हाँ सर चालू फ़ोन है। उसका CPU निकाला है ना? जी। रिवॉल्विंग कर लिया आपने, सरफेस क्लीन कर लिया है? जी जी। तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं इसमें? अभी इसको माउंट करेंगे सर। इसको आप बैठाने जा रहे हैं अभी? जी। है ना, ठीक है, सेट करिए। ठीक है सर। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? बताइए कैसा लगा आज का क्लास आपको? बढ़िया लगा। कैसा लगा क्लास आज? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर क्लास। मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चला गया सारा। क्या स्पेशल चीज क्या मिली आपको? देखो आईसी निकलवाने लगाने का काम हर कोई करवा लेता है, पर बाकी इतनी जल्दी करवा पाता है क्या कोई? नहीं कैसी ट्रिक है यहाँ की? डर भगाने वाले कोई हार्ड तरीके से सिखाया या मतलब बेबी ट्रिक में सिखाया? डर भगाने वाला ट्रिक है, डर भगाने वाला एकदम पॉसिबल ट्रिक सर। अभी आपके दिल से डर गया कि नहीं डाया? सीपीयू वाला मसला, सीपीयू एक बहुत बड़ा मसला होता था जी सर, सीपीयू देख के डरते थे हम लोग, तो सीपीयू का डर गया कि नहीं गया? गया। क्या एक्सपीरियंस रहा आज का आपका? सर चार दिन में इतना कॉन्फिडेंस है कि अब मुझे कोई भी दे दिया जाए रिवोल करने को, कोई भी ऐसी आराम से कर दूंगा। आप बताइए। यस सर, ले भी कर सकते हैं। आप बताइए। ऑल सर, ऑल आईसी कर सकते हैं। ऑल आईसी कर सकते हैं? हाँ सर। पहले दिन क्या किया था आपने? आईसी कर रहे सर। और आज आपने कितनी बार चालू किया सेट? सर मैंने आज जियो का दो बार किया और एक एमआई का एक बार किया। एमआई का एक बार किया। एमआई का कौन सा मोबाइल था? एमआई का 5A और एक बार मैं सीपीयू रिबल करके लगाया, फोन ऑन आ गया। किसने एक बार से ज्यादा किया जरा हाथ खड़े करो, एक बार से ज्यादा किस किसने किया? आपने कितनी बार किया? हाँ और बताइए, इधर आगे आइए, आगे आइए। आपने कौन कौन से किया हैंडसेट? एक ऑन सेट को सिक्योरेबल करके निकाल के लगाया, वो भी ऑन हो गया, और एक डेट था उसको भी सिक्योरेबल किया, वो भी ऑन हो गया। समझाने का तरीका बताइए अच्छे ढंग से। बहुत अच्छा। आपने कितनी बार किया? दो बार। आपने? एक बार। आपने? एक बार। दो बार किसने किया? इधर ज्यादा बार, इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। हाँ इधर आगे आइए, नाम बताइए अपना। अख्तर जमील। कितनी बार किया आपने? एक बार सर। एक बार किया। और एक बार से ज्यादा किसने किया? सर मैंने किया। कितनी बार किया आपने? सर मैंने तीन बार किया। हाँ, फर्स्ट टाइम जब लगा रहा था सीपीयू तो मुझसे खराब हो गया। सीपीयू खराब हो गया क्या? जी सर थोड़ा सा बेकार लगा, फिर मैंने क्या किया, दूसरा वाला फोन लेके दूसरा ट्राई किया। जी सर बिल्कुल, वो चालू हो गया। फिर मैंने एक खराब पीसीबी पड़ा था, उसमें से सीपीयू एमएमसी दोनों निकाल के स्वैप करके उसे भी चालू किया। मतलब आपने पीसीबी की स्वैपिंग भी करी? स्वैपिंग भी करी, सीपीयू भी रिवोल्व किया, और एक चाइनीज फोन उसका भी रिवोल्व किया। अच्छा, मेरी एक बात सुनो, अगर आपके हाथ में अगर कोई सी भी अगर 4G पीसीबी हो तो अभी आप कोई सी भी आईसी निकाल के लगा सकते हैं? जी सर कोई भी, एवरीवन सारे लगा सकते हैं कि नहीं? स्वैपिंग का मसला दूर हो गया हमारा? यस सर। पूरी स्किल दिमाग में बैठी? यस सर। ये क्लास हमारी एक दिन की नहीं है भाई, पूरे 30 दिन की क्लास है ये, है ना? यस सर, है ना, पूरे 30 दिन की क्लास है, एक दिन की क्लास नहीं, आईसी निकालने लगाने की, पूरे 30 दिन की क्लास है ना? हाँ सर। आप बताइए कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया सर। कैसा रहा, मतलब आपने एक बोर्ड पे कितनी बार काम करा? एक बोर्ड पे 5 बार काम किया सर। 5 बार काम किया आपने? कितनी बार काम किया एक बोर्ड पे? आपने कितनी बार किया? आपने कितनी बार चालू किया हैंडसेट? मैंने 2 बार। 2 बार किया। कौन कौन से हैंडसेट करे आपने? रेडमी 6A और जियो। आपने? 2 बार। आपने आज ईमानदारी से बताओ आज आईसी कितनी बार रिवॉल्व करी? सर मैंने तो 7-8 बार की है, सेट मैंने 4 बार किया है, ऑन इधर से जो करते थे थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती थी पर क्लियर किया है सर। आपने कितनी बार आज आईसी रिवॉल्व करी? टोटल सेट भी कितनी चालू करे और आईसी कितनी बार रिवॉल्व किया सर, और एक बार चालू किया। ठीक है, और इसके बाद अशोक आइए आगे। अशोक ईमानदारी से बताइए आज आपने कितने सेट चालू किए? मैंने 3 सेट चालू किए। 3 सेट चालू करे, और रिवॉल्विंग कितनी, सीपीयू रिवॉल्विंग कितनी बार करा यूनिवर्सल स्टेंसिल से? कम से कम 20-25 बार। 20-25 बार, सही बोल रहे हैं ये? नहीं सर। कोई झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। चलिए ठीक है, आपने कितनी बार किया? मैंने 6-7 बार सीपीयू रिवॉल्व करा और तब जाके मेरा हैंडसेट का। मतलब तो आप खुद गलती कर रहे थे, आप अपनी गलतियों से सीखे कि नहीं सीखे? जी सर मैं हर बार गलती कर रहा था। आप आगे आइए, आप प्रोफेशन से ड्राइवर हैं, फर्स्ट टाइम आपने टूल किट हाथ में उठाया, आज आपने सीपीयू रिवॉल्व करा, सीपीयू लगाया, और ईमानदारी से बताओ आपने पीसीबी सरफेस कितनी बार क्लियर करा और कितनी बार सीपीयू उठाया? सर मैं 3 बार सरफेस क्लियर किया सीपीयू को भी लगाया। तो काम सक्सेसफुली तरीके से हुआ आपको? हाँ सर सक्सेसफुल, 3-4 बार करा तब एक बार हुआ, लेकिन हुआ बिल्कुल। अपने लाइफ पावर भी किया है, हाँ जी सीपीयू भी किया है, ये जो आपने दिखा रहे हैं फोन, आप दिखा रहे हैं आप ही का फोन है कि किसी और का? नहीं नहीं
नहीं सर, मेरा ही फोन है। ये आपका फोन है? हाँ जी। तो ये बंद था कि चालू था? सर ये सेट मेरे पास वैसे चल रहा था पहले से, वाइट लाइट पर था, जैसे डिस्प्ले को दिक्कत होगी डिस्प्ले में पहले, तो मैंने तो टेस्टिंग के लिए साथ लेकर आया था, जब मैंने सीपीयू लगाया था उसके बाद ये सेट प्रॉपर ऑन। ओवरऑल अभी आप कहाँ सीखे? पहले आप आईसी लेवल पे सीपीयू लेवल पे काम करते थे? सर यही चार दिन हो गया। चौथा दिन की केवल क्लास है, चौथे दिन में आपने सीपीयू डन कर लिया। सही से बताइए कितनी बार में जॉब डन हुआ, सही बताइएगा। जो भी सही बताऊँ सातवीं बार में जॉब डन हुआ। देखिए कोई भी झूठ नहीं है यहाँ पे, सातवीं बार में गलती क्या हो रही थी आपसे? गलती सर मैं थोड़ा कई बार तो पेस्ट ज्यादा लगा लेता था, कई बार क्या होता था जैसे मेरा हाथ धुल जाता था। ये अब दोबारा दे दिया जाए तो आप कर लोगे? अभी अब वन टाइम में कर लोगे? कर लूंगा सेवन डे। ऐसा तो नहीं आपने दो बार तीन बार सोचा यार मुझसे नहीं होगा, हटाओ? सर पर हमारे टीचर इतने अच्छे हैं, हमें बार बार प्रेशर दे कह रहे हैं अभी आप करना है, सीखोगे तभी है ना, सीख रहे हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल कैसा क्या है? बहुत अच्छा सर, मैं खुश हूँ, मैं तो मुझे लग रहा है अभी यार बढ़िया है। हाँ मेरे पंजाब के सभी को कहूँगा भी आप आओ देखो, बहुत फर्क है बाकी इंस्टीट्यूट से। उसमें भी मैंने किया, दो किया ये, ये डेड था, इसको भी ऑन कर दिया मैंने, दो कर दिया आपने? जी सर। क्या बात है, पहले से करते थे आप आईसी लेवल का काम? नहीं सर अब आपको दे दिया जाए, अब आप लाइव कर लोगे आराम से? अगर आपको बोला जाए कि चलिए लाइव कैमरे में आप निकालिए और लगाइए, लगा लेंगे आराम से? आराम से बिल्कुल कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है सर। तो ये चार दिन में पॉसिबल हो गया? हाँ पॉसिबल है सर, यहाँ पे पॉसिबल है, इतना अच्छा ट्रिक ही मिलता है कि मैंने अभी दो फोन ऑन हो चुका है, ये तीसरा है, इस पर भी सीपीयू लगा दिए, अब पावर सिर्फ रिवॉल्व करके लगा रहे हैं। जो आप जहाँ से हैं, जो आपको देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनको? आना चाहिए या नहीं जाना? बिल्कुल आना चाहिए, मैंने तीन साल से काम कर इस पे काम कर रहा था, हो नहीं रहा था। चार दिन, तीन साल मतलब चार दिन में पॉसिबल हो गया? चार दिन में पॉसिबल हो गया, हमको खुद आश्चर्य हो रहा है कि मैंने अजीब का ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा। मैंने बात करें कि आपका रिवॉल्विंग का जो स्किल है, इसके पहले कभी आपने रिवॉल्विंग किया था? नहीं सर पहले तो कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। आईसी का काम करते ही नहीं थे सर कभी, मतलब आपने आईसी का काम किया नहीं? कितने दिनों से आप मोबाइल के फील्ड में हैं? सात साल से तकरीबन। सात साल से आप इस फील्ड में हैं और आप अभी तक किसी भी आईसी पे काम नहीं, इसके पहले आप करते क्या थे? इसके पहले नॉर्मल जैसे अपने चार्जिंग सॉकेट, डिस्प्ले, कॉम्बो, नेटवर्क सेक्शन जो भी है, मतलब जो भी आईसी से रिलेटेड नहीं है बाकी सब ऑल काम कर लेते थे, पर आईसी इसके पहले आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज थी? जैसे कि आप यहाँ पे आने के बाद देवसर की क्लास अटेंड किए, पहले दिन आपको मतलब दो दिन में आपको कंपोनेंट्स की सारी नॉलेज देवसर ने आपको दिया है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई सर? कंपोनेंट्स की बात करें, पहचान बात करें, उसकी वर्किंग बात करें, उसकी चेकिंग, सारी चीज़ें आपको सारे अच्छे तरीके से समझाया गया? एकदम अच्छे तरीके से डीप लेवल के अंदर समझाए सर, इतनी तो नॉलेज पहले नहीं थी सर, आज यहाँ आने के बाद पता चला कि कैपेसिटर, थर्मिस्टर, रजिस्टर, कॉइल, ये सब जो लगे होते हैं पैलर में, सीरीज में, हर एक डीप नॉलेज, मतलब किस के लिए लगे होते हैं, पैलर में क्यों लगे होते हैं, सीरीज में क्यों लगे होते हैं, उसकी चेकिंग क्या है, ये सब सारी चीज़ें समझ में आई? सब सब टोटल समझ में आ गया सर। अच्छा चल, पहले भी बताया हुआ है कि आप 10 साल से काम कर रहे थे, अगर ये 10 साल पहले मिला होता आपको तो कितना आगे आप बढ़ गए होते? हाँ सर उसी हिसाब से बहुत आगे, बहुत आगे बढ़ गए होते। अभी ओवरऑल सर बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब चार दिन में केवल आपने सीपीयू लगा दिया, अभी तो हमारा पूरा कंसर्ट बचा हुआ है अभी बाकी का दिन, तो जो आप सोच के आए थे कि हमें वहाँ पे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर उससे ज़्यादा मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है अपने वन टाइम। और भी ये नहीं सोचा था कि चौथे दिन में सीपीयू डन हो जाएगा? डन हो जाएगा अभी? हाँ अगर पंजाब से देख रहा है तो उसको तो यही बताना चाहूँगा कि अगर काम करना है, अच्छा करना है, जी जी जी, तो यहाँ आ सकता है, जी जी, अगर आराम करना है तो कहीं और जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। पॉसिबल है चार दिन में सीपीयू लगाना? हाँ सर पॉसिबल है। आप जो भी ट्रिक यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत हार्ड ट्रिक है क्या? सॉफ्ट ट्रिक है कि हार्ड है? सॉफ्ट है। तो बेसिकली ओवरऑल बेस्ट मॉडल्स जो आपको देख रहे हैं क्या बोलना चाहेंगे? अगर कोई काम सीखना चाहता है तो यहीं पे सही जगह है, इसे टेलीकॉम में। आप जो सोचे थे वो आपको मिल रहा है अभी? मिल रहा है। तो ओवरऑल आपने दो सेट चालू कर दिया, अगर आपको बोला जाए चलिए लाइव कराते हैं तो लाइव आप कर पाओगे? हाँ सर एक ही बार बिल्कुल कर देंगे, कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया। आज आपने कोई लाइव किया? तीन सेट बनाया, तीन सेट कर दिए, सही बोल रहे हैं। कौन कौन सा काम किया आपने? तीनों। बूस्ट कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस कैसा, लेवल कैसा? अच्छा फील हो रहा है। अब आपके सामने अगर बैठा करके आपको लाइव कराया जाए तो लाइव आप कर लोगे? एक बार में जॉब डन कर लोगे? तो ये फोन ऐसा तो नहीं किसी सर ने यहाँ पे चालू किया हो? नहीं सर मैंने किया। आपने खुद से किया हुआ है, सही बोल रहे हैं? हाँ नेपाली में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस धेरै राम्रो छ हजुर, आउन सक्नुहुन्छ, कोही सिक्न चाहनुहुन्छ भने। क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ जो मेहनत करने वाला हो और सीखना चाहते हो वो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकता है। आपने जो सोचा था वो आपको मिल रहा है? बहुत, जो सोचा था उससे ज़्यादा मिल रहा है। चार दिन में सीपीयू जॉब डन हो गया, ये पॉसिबल कहाँ पे?
पॉसिबल एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है, और कहीं नहीं होगा एशिया टेलीकॉम में। यहाँ के जो टीचर हैं कैसा है उनका? बहुत अच्छे हैं सर, सारे चीज आपको पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं डांट देते हैं? नहीं सर, बहुत अच्छी लाइव भी है, ऐसा दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लाइव भी हैं और सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे डेली हम लाइव आते हैं, जो आप काम कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग में शाम को सारा चीज लाइव आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है ओवरऑल? बहुत फील, हम जो हमारा जो सीनियर भाई थे उनका वीडियो देख रहे थे वो, तो हमको अच्छा लग रहा था। अभी मैं खुद ही वीडियो में हूँ, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और क्या बोलूँगा अभी। अच्छा, डर नहीं लगा कि बंद हो जाएगा? नहीं, डर तो नहीं लगा, अगर बंद भी हो जाता फिर भी मैं उसको दोबारा रिवॉल्व करके लगा लेता, दोबारा रिवॉल्व करके लगा लेता। तो ओवरऑल आप कहाँ से बताया आपने, कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से, अगर आपको कोई उड़ीसा से देख रहा है तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आ सकता है अगर वो खुद से सीखना चाहे, अगर वो खुद से नहीं सीखेगा तो उसको दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आलसी होते हैं वो काम नहीं कर पाते। अच्छा, ओवरऑल मतलब आप जो प्रॉपर, अगर हम आपकी बात करें, जो आपने सोचा था वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल सर, मुझे तो मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है। अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है, खुशी लग रहा है। अगर आपसे लाइव कराया जाए कि चलिए आप लाइव बैठिए और यहाँ पे जैसे कि लाइव भी चल रहे हैं, तो अगर आपसे लाइव अगर कराया जाए तो आप लाइव कर लोगे? एक बार नहीं, 100 बार कर लूंगा। 100 बार कर लेंगे, कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस। चलिए, ओवरऑल जो आपको देख रहे हैं क्या बोलना चाहेंगे? जिसको मोबाइल लाइन फील्ड में आना चाहिए तो जरूर आना, टेलीकॉम और अच्छे से काम सीखकर काम करना है। बहुत बढ़िया लगा सर, और जो भी ट्रिक्स है और जो भी ट्रिक्स बताया जा रहा है जी जी, वो बहुत कारगर है और बहुत ही एफिशिएंट है, वर्किंग है, वर्किंग है। तो ओवरऑल जो आपने सोचा था कि अरे ऐसे टेलीकॉम जाएंगे, बहुत सारे रिव्यू दे रहे हैं, आज आप खुद रिव्यू दे रहे हो, आज हम खुद, तो वो रियल था कि आपका फेक है? नहीं नहीं सर, वो बिल्कुल रियल था और ये भी रियल है। बहुत बढ़िया सर, जो आपने सोचा था कि ऐसे टेलीकॉम जाएंगे, ये सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी आपको कैसा लग रहा है? सर उससे ज़्यादा मिल रहा है, जितना मैंने सोच के आया था कि 4 दिन में तो इतना नहीं पॉसिबल है, बट यहाँ पे आके सर पॉसिबल है। मैंने खुद किया कल, मैंने पावर, उसके पहले MMC, आज CPU, सब। ऐसा तो नहीं कि कभी का कुछ भी कुछ पढ़ा देते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्लास स्टार्ट होने से पहले ही काउंसलिंग क्लास थी, जिसमें सर ने सारा शेड्यूल बता दिया था कि बोर्ड पे कि ये आपका इस डेट में होगा, और उसी से काम हो रहा है। अच्छा, उसी पे काम हो रहा है जी, उसी मतलब पे यहाँ का डिसिप्लिन कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, तभी सीख पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑन सेट से CPU निकाल के फिर रिवॉल्व करके लगाना था। ऑन सेट से CPU निकाल के लगाना, हाँ, तो ये पॉसिबल है 4 दिन में? हाँ सर पॉसिबल है। कहाँ पे पॉसिबल है? सर एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। सर एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। आज आपने काम किया? हाँ सर। किस पे काम किया दिखाइए? ये जियो वाला सेट एक्सपोर्ट है, ये तो पैक है, तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं आप डब्बे? नहीं 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 सर, नहीं सर। लीजिए बैटरी मैं दे देता हूँ, चालू करिए। तो ये देख सकते हैं गाइस, फोन हमारा प्रॉपर्ली ऑन हो चुका है। तो इधर देखिए, हाँ सर। तो आप ये बताइए कि जो आप रिव्यू देखते थे, जो आपने ऐसे टेलीकॉम को रिव्यू देखते थे, आज आप खुद रिव्यू दे रहे हो, तो वो फेक था कि आज फेक है? नहीं सर, वो पहले लगता था कि पॉसिबल है नहीं, बहुत डाउट था सर। अच्छा, यहाँ पे जब आए सर हॉस्टल में थे उसी दिन भी सोच रहे क्या है नहीं है, लेकिन सर जब क्लास ज्वाइन किया तब लग रहा है सर नहीं पूरा सही है। तो कितने सेट आपने किए ओवरऑल आज? आज सर एक बार तीन बार CPU खुद के लगाया सर। तीन बार कर दिया सर। अच्छा, 3 बार में कितने बार ऑन हुए? 2 बार ऑन हुए, 1 बार ऑन हुआ? पहला वाला सर पहले बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हुआ। okay. और दूसरा वाला तो पहली बार में ही हो गया, और तीसरी बार भी पहले बार में ही हो गया सर। अच्छा, इतने आपने जॉब डन कर दिया। ओवरऑल जो आपको देख रहा है शाम से क्या बोलना चाहिए? सर यहाँ आ सकते हैं और सही से सीख के जा सकते हैं सर। सही से सीख के जा सकते हैं सर। तो ये दिल से बोल रहे हैं? सर दिल से बोल रहा हूँ सर। ओवरऑल यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर यहाँ पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ सीख के यहाँ से जा सकते हैं, मतलब इतना नॉलेज यहाँ से मिलेगा, मतलब आप लेके जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। चलिए थैंक यू सो मच। दे दिया जाए तो उसका CPU कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, कर पाएंगे। अगर आपको कोई राजस्थान से देख रहा है तो क्या बोलना चाहेंगे उनको? बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम मतलब क्या, जो आपने सोचा था वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मिल रहा है। 4 दिन की क्लास हुई, अभी आपका पूरा कोर्स बचा हुआ है, अभी आपका पूरा ब्लैक पेस्टेड MMC सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर अभी आपको बचा हुआ है, तो ओवरऑल लग रहा है सीखने को मिलेगा? सर बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच। तो अभी लाइव करा जाए, सपोज किसी ने बोल दिया कि चलो यार स्टूडेंट से लाइव करा लो, तो आप लाइव कर दोगे? ओवरऑल जो आपको देख रहा है क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, जिसको मोबाइल रिपेयरिंग का सीखना है, अच्छा नॉलेज लेना है, टेलीकॉम में आना चाहिए।
तो आपने जो सोचा था वो मिल रहा है? आपने काफी रिव्यू देखा होगा, वो रिव्यू और आज के रिव्यू में, वो रिव्यू फेक था कि आज का रिव्यू फेक है? कुछ फेक नहीं है सब, क्योंकि आज आप खुद दे रहे हो, तो आप जेन्युइन है। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा आपको समझ अच्छा समझ में आ रहा है? मतलब अभी तो कुछ अभी बेसिक हो रहा है, बेसिक चल रहा है सारी चीजें। अभी आपका पूरा हार्डवेयर सेक्शन बचा है, सॉफ्टवेयर बचा है, फिर आपकी ब्लैक पेस्टेड डुअल टेकर और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे नैंड प्रोग्रामिंग, ये सारा अभी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। तो क्या लग रहा है ओवरऑल आपको? अभी तो चार दिन में, अभी तो बहुत सारे दिन बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। अभी आगे इन फ्यूचर अभी हमारा थोड़ा बचा हुआ टाइम है अभी तो। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं एमपी से? तो जिसको भी आना है वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल यहाँ पे टीचर आपको गलत बताया हो और आपसे गलती हो रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छा है और ट्रिक भी बहुत अच्छे दिए जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि मैं सीखना चाहता था जो चीज़ वो सीख रहा हूँ। अच्छा, बात करें कि बस आपने ही 4G CPU लगाया कि बाकी स्टूडेंट ने भी लगाया है कुछ लाइव निकाल के? नहीं, सारे लगाए हैं यहाँ पे, और कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उन लोग भी लगा लेंगे कुछ ही देर में। चलिए ठीक है, बात करें आप अगर आपको वहाँ से कोई आना चाहे तो आप उनके लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए बहुत वेलकम है, वो आए अच्छा। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा उनका? मतलब अगर एशिया टेलीकॉम वो ज्वाइन करे काम सीखने के लिए तो उनका पैसा तो वेस्ट नहीं जाएगा? नहीं, कोई वेस्ट नहीं जाएगा। मैंने खुद 2-3 को बोला था साथ में चलने का, हमें मन नहीं लगता शुरुआत में, अकेले आ रहा था। अच्छा। तो मैंने बुलाया भी था कि चलो साथ में, तो उन्होंने नहीं आया, किसी को ज़्यादा पैसे लग गए थे, किसी को कुछ दूर लग गया, कहा कि एक बार चलो। मैंने तो हिम्मत करके आया था, बाकी होगा। आप हिम्मत करके आए तो आपको सीखने को मिला? हाँ, मुझे जो तो आप यहाँ से सीखने के बाद जाने के बाद उनको बताएंगे कि आपने सीखा कि नहीं सीखा? सीखा, मैं बताऊँगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो आईसी रिवॉल्विंग का या आईसी सेट करने का जो ट्रिक बताया जाता है, बहुत हार्ड तो नहीं है? नहीं सर, कोई हार्ड नहीं है, एकदम पॉसिबल है, एकदम सिंपल है। जो भी ट्रिक सर बताते हैं एकदम सिंपल ट्रिक बताते हैं, जो हम लोग के समझ में आए और तुरंत हम लोग फॉलो करते हैं उसको कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर। मैं यूट्यूब पे रोज वीडियो देखता था एशिया टेलीकॉम का जी, रोज वीडियो देखते देखते एक दिन मेरे मतलब दिमाग में आया कि क्यों नहीं मैं मोबाइल का ही काम सीख लूँ। तो अपने घर पे बताया कि मैं मोबाइल का काम सीखना चाहता हूँ, तो वो लोग बोले कि ठीक है जा सीख ले, कहाँ सीखेगा। तो मैं बोला कि एशिया टेलीकॉम में सीखना चाहता हूँ जबलपुर में। तो वो लोग मतलब मेरा कहीं से पैसे की बंदोबस्त करके एडमिशन कराए और मतलब आके आज हम सीख रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत कुछ सीख चुके हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट है, और जो आप रिव्यू देख के आए हैं तो आप रिव्यू किसी का देख के आए होंगे, तो आपको क्या पहले लगता था कि मतलब ये जो रिव्यू दे रहे हैं झूठा हो सकता है या फिर आपको नहीं सर, कुछ भी झूठा नहीं होता है, वो भी सच है और ये भी सच है। मतलब आप जो रिव्यू देखे थे वो आपको सच लगा? जी। चलिए ठीक है, मतलब आपका पैसा वेस्ट तो नहीं जा रहा? नहीं सर, जितना पैसा दिए उससे ज्यादा हम सीख रहे हैं। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा है सीखने के लिए उससे ज्यादा मिल रहा है आपको? जी सर, मिल रहा है। ये बस आपको ही मिल रहा है कि बाकी लोगों को भी? सभी को मिल रहा है, सभी स्टूडेंट को। यहाँ पे जो 4G IC स्टूडेंट लगा रहे हैं, बस अकेले आप लगा रहे हैं या फिर बाकी भी स्टूडेंट लाइव? सब लगा रहे हैं सर, सब लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बगल वाले का फोन लेके आपको दे दिया जा रहा है कि हाँ दिखा दीजिए ये चालू हो गया, हुआ हो ना हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब लाइव है, जो भी है जिनका फोन है उनसे ही लिया जा रहा है। हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपके वहाँ से यूपी से कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे? एकदम आ सकता है सर, बेधड़क आ सकता है, एकदम बिंदास आ सकता है। थैंक यू सो मच। अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी हमको एकदम मस्त लग रहा है, क्योंकि काम करते हैं और काम हो जाता है तो बहुत मजा आता है, वैसा हमको एकदम मजा आ रहा है क्योंकि काम मेरा हो रहा है। चलिए ठीक है, जो भी मैं कर रहा हूँ एक बार में हो जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। उसको सेम दे दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं, सबको हाँ सबको दिया था, यूनिवर्सल में दिया था, सबने यूनिवर्सल में ही किया सर, और ये पॉसिबल एशिया टेलीकॉम में है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और तो आपको कैसा फील कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के टीचर्स के लिए? यार टीचर की तो बहुत हार्ड वर्क और उनका जो स्टैमिना है पढ़ाने का वो कहीं नहीं सर। चलिए अगर बात करें कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट में समझाते हैं सर, एक ही बार में ऐसा समझाते हैं क्या, समझ जाते हैं सर। चलिए मतलब बस आप ही समझते हैं या बाकी भी स्टूडेंट? नहीं सब सब ऑल स्टूडेंट समझते हैं सर। चलिए ठीक, चालू करने के बाद बहुत अच्छा। अभी आपको कोई सा भी फोन दे दिया जाए लाइव तो हम उसको कर लेंगे? जी सर, कर लेंगे। तो ओवरऑल जो आपको देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? उसको बोलना चाहेंगे अगर
प्रॉपर नॉलेज मिलना है तो इधर ऐसे टेलीकॉम आना चाहिए। आप जो सोच के आए थे कि उन चार दिन में आपको जो मिला है उससे आप संतुष्ट हैं अभी? जी सर संतुष्ट है। तो चलिए आइए साथ में ही। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताओ? हमने डबल टेकर किया। डबल टेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज क्या करवाया? डबल टेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल टेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू। और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता है? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल टेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल टेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया। आपने मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट थैंक यू दोस्तों।